वेलकम टू सोशल। जिस डिफिकल्ट फेज से हम सभी अभी गुजर रहे हैं, उससे आपकी मेंटल हेल्थ काफी अफेक्ट हो रही होगी। बीइंग सिनेफाइल्स, हम सबके पास मूवीज ही एक मीडियम रह जाता है जिसे देख के हम थोड़ा बेटर फील करते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मूवीज के बारे में बताएंगे जो आपको एक फील गुड वाइब देंगी। फील गुड का मतलब सिर्फ मोटिवेशन या अपलिफ्टमेंट से जुड़ी मूवीज नहीं, बल्कि वो मूवीज जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू भी ऐड करें। सोशल की फिलॉसफी हमेशा इसी तरह रही है, जहां फिल्म्स के थ्रू हम कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करते हैं जो आपको एक बेहतर सिनेफाइल और एक बेहतर इंसान बनाती है। इस वीडियो में वो ऑब्वियसली फील गुड मूवीज नहीं होने वाली है, क्योंकि उन सभी को आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। इसीलिए हमने इस लिस्ट में काफी यूनिक और अंडररेटेड फिल्म्स को मेंशन किया है। ये वीडियो बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म्स का मिक्सचर है, सो वी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी, सब कुछ है। तुम पिक्चर दिखाने वाले हो? नंबर वन, तू है मेरा संडे। One of the most underrated films of recent times, तू है मेरा संडे एक बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। फिल्म की स्टोरी में हम कुछ फ्रेंड्स की कहानी देखते हैं जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, पर मुंबई में उन्हें एक प्रॉपर जगह ही नहीं मिलती है। साला पहली कोई जगह ही नहीं है, धक्के खाते हैं। हम लोग फाइट क्यों नहीं करते? फिल्म में हम एक मल्टी टैलेंटेड कास्ट देखते हैं, जहां पर वरुण सोबती, रसिका दुगल, अश्विन तिवारी, शहाना गोस्वामी जैसे कई टैलेंटेड एक्टर्स एक साथ नजर आते हैं। तू है मेरा संडे में लाइफ से जुड़े कई ऐसे नैरेटिव्स हैं जिनसे आप काफी रिलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, कोई करेक्टर अकेला रह के अपने ओल्ड एज फादर का ख्याल रख रहा है, तो कोई सब कुछ छोड़कर बस अपने पैशंस को फॉलो करना चाहता है, तो कहीं किसी के घर में फाइनेंसिस के इश्यूज हैं। इन सभी सिचुएशंस को देखकर आप अपनी लाइफ को भी इन कैरेक्टर्स के साथ इमेजिन करने लग जाते हैं। इफ यू आर फीलिंग लो राइट नाउ, देन गो अहेड एंड वॉच इट। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप इसे फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं। नंबर टू, नोबडी। ये फिल्म हमने एक्शन लवर्स के लिए ऐड की है। अगर आप जॉन विक के फैंस हैं तो ये फिल्म आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। डेरेक कोलस्टार इस फिल्म के राइटर हैं, जिन्होंने सारी जॉन विक की फिल्म्स लिखी हैं। नोबडी की स्टोरी भी जॉन विक से थोड़ी बहुत मिलती है, जहां हम एक ऐसे आदमी की कहानी देखते हैं जिसे हर कोई एज नोबडी कंसिडर करता है। उसके घर में एक दिन चोर घुस जाते हैं, जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। उसे लगता है कि अब उसे अपनी रियल साइड सबके सामने दिखानी होगी, एंड फिल्म में आगे फिर बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है। बहुत टाइम से कोई अच्छी एक्शन फिल्म नहीं आई है, और अब इस फिल्म के आने से एक्शन लवर्स थोड़ा रिलीफ फील कर रहे होंगे। Our team highly recommends you to watch this film. Nobody को recently ही online release मिली है, पर इंडिया में अभी तक ये फिल्म streaming platforms पर नहीं आई है. So try to find this one out yourself. Who the fuck are you? Me? I'm nobody. नंबर थ्री, रोड मूवी। इस फिल्म के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जैसे फिल्म का नाम रोड मूवी है, तो ये फिल्म एक रोड जर्नी पर बेस्ड है। फिल्म में हम अभय देओल का कैरेक्टर देखते हैं, जिसे एक ट्रक को लेके कहीं पहुंचना होता है, पर रास्ते में उसे एक ऐसा इंसान मिलता है जो लोगों को सिनेमा दिखाने का काम करता है। ये दोनों फिर एक साथ कुछ ऐसा प्लान करते हैं, जहाँ वो गाँव में जाके पर्दे पर सिनेमा दिखाया करते हैं। मूवी बफ्स के लिए तो ये फिल्म मस्ट वॉच है, क्योंकि ऐसा पैशनेट प्रोजेक्ट बहुत रेयरली ही बॉलीवुड में देखने को मिलता है। पूरी फिल्म देखते हुए आपके चेहरे पर एक स्माइल रहती है, और आपको रियलाइज होता है दैट दिस इज व्हाट आवर सिनेमा शुड बी लाइक। फिल्म को इंटरनेशनली एक्लेम डायरेक्टर देव बेनेगल ने बनाया है, जिन्होंने इसके बाद कोई फिल्म नहीं बनाई है। सो दिस फिल्म इज स्पेशल इन इट्स ओन वे। रोड मूवी इंडियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे तो कहीं अवेलेबल नहीं है, बट यूट्यूब पर ये फिल्म आपको अनऑफिशियल चैनल्स पर अपलोडेड मिल जाएगी। इट्स सो स्ट्रेंज कि ये मूवी इतनी अंडररेटेड है कि अभी तक किसी स्ट्रीमिंग सर्विस ने इसके राइट्स नहीं लिए हैं। रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी, सब कुछ है। नंबर फोर, 50-50। इस पैंडेमिक के टाइम पर अगर आपको कोई फिल्म लाइफ को लेकर रिस्पॉन्सिबल फील करा सकती है, तो वो ये फिल्म है। 50-50 में हम एक ऐसे लड़के की कहानी देखते हैं, जिसे अचानक से कैंसर हो जाता है, और अब उसके बचने के चांसेस 50-50 हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमेशा से उसने एक हेल्दी और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल फॉलो किया है। इस फिल्म के थ्रू आप देख पाएंगे कि कैसे एक मोमेंट आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। फिल्म बहुत इमोशनल है, पर साथ में ये एक फील गुड फिल्म भी है। फिल्म की लाइन, यू कैन नॉट चेंज योर सिचुएशन, द ओनली थिंग यू कैन चेंज इज हाउ यू चूज टू डील विद इट। ये लाइन आपको रियलाइज करवाती है कि हम अपनी सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, बस हम उन सिचुएशन से लड़ने का तरीका बदल सकते हैं।
वी हाईली रिकमेंड कि आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें. And said 50-50. It's not that bad. You were a casino game, you'd have the best odds. Number 5, Suleimani Kira. To all the aspiring filmmakers, this film is for you. Suleimani Kira एक ऐसी फिल्म है जिसको हमें as an audience support करना चाहिए. फिल्म में हम दो राइटर्स की कहानी देखते हैं जो बॉलीवुड में एक फिल्म बनाना चाहते हैं, पर प्रोड्यूसर्स कभी उनकी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते. फिल्म में नवीन कस्तूरिया भी मेन रोल में नजर आते हैं, जिन्हें आपने कई TVF के शोज में देखा होगा. चांदी सी बात का डर. There's only one life. फिल्म का ह्यूमर काफी रियलिस्टिक है और जो लोग पूरा दिन सिर्फ सिनेमा के बारे में ही सोचते हैं उन्हें तो ये फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए. सुलेमानी कीड़ा को अमित मासुकर ने बनाया है, जिनकी फिल्म न्यूटन को नेशनल अवार्ड दिया गया था, जो इंडिया की ऑस्कर एंट्री भी रही थी. सो आप आइडिया लगा सकते हैं कि सुलेमानी कीड़ा भी एक हाई ऑन कॉन्टेंट फिल्म होगी. तो मुझे आके समझा देना कि तुमको जिंदगी या लाइफ के बारे में क्या समझ आया, क्योंकि मुझे अब तक कुछ समझ में आया नहीं. नंबर 6, सुडानी फ्रॉम नाइजीरिया. ह्यूमैनिटी भी एक ऐसी चीज है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है, चाहे हम कोई भी कंट्री के हों या कोई भी लैंग्वेज बोलते हों. एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ही हमें एज ह्यूमंस चाहिए होती है. सुडानी फ्रॉम नाइजीरिया में भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को कहानी के तौर पर दिखाया गया है. फिल्म में हम एक फुटबॉल कोच की स्टोरी देखते हैं जो नाइजीरिया से एक प्लेयर लेके आता है. एक सिचुएशन की वजह से उस प्लेयर को उसे अपने घर पर ही रखना पड़ता है, जहां से फिल्म का एक बहुत ही ब्यूटीफुल नैरेटिव सामने आता है. फिल्म का हर कैरेक्टर इतने ढंग से लिखा गया है कि इनके साथ आप फर्स्ट सीन से ही कनेक्ट करने लग जाते हैं. सोशल के रिव्यूअर वी ने इसे स्पेशली इस लिस्ट में ऐड किया है, सो यू कैन ऑलवेज बेट ऑन हिज सिलेक्शन. सुडानी फ्रॉम नाइजीरिया एक मलयालम फिल्म है और इसको आप नेटफ्लिक्स पर सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं. Good. Now, gentlemen. You mean I am only good this dress, no matter dress? Number 7, Love and Monsters. 2020 में रिलीज हुई फिल्म लव एंड मॉन्स्टर्स एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है. फिल्म की स्टोरी में एक ऐसा वर्ल्ड दिखाया गया है जहां मॉन्स्टर्स ने टेक ओवर कर लिया है और अब लोग उनसे बचकर अंडरग्राउंड रहते हैं. इसी बीच हम जियोल का कैरेक्टर देखते हैं जो इन्वेजन की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड से दूर हो जाता है और अब उसे ढूंढने का मिशन प्लान करता है. अगर आपको ज़ॉम्बीलैंड पसंद आई थी तो आपको लव एंड मॉन्स्टर्स भी पसंद आएगी. फिल्म एक अनयूजुअल सी रोड ट्रिप की तरह है, जहां एडवेंचर, मॉन्स्टर्स, कॉमेडी, लव, सब कुछ आपको देखने को मिलता है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. It's an impossible journey. Everyone will try to kill you. Don't fight, just run and hide. Okay. Number 8, Jhankar Beats. इस फिल्म की कहानी दो दोस्तों की लाइफ पर बेस्ड है, जो अपनी जॉब्स के साथ एक म्यूजिक बैंड भी चलाते हैं. उनका बैंड एक म्यूजिक कॉन्टेस्ट झनकार बीच में पार्टिसिपेट करने की प्रिपरेशन कर रहा होता है और इन सब के बीच हम उनके पर्सनल लाइफ इश्यूज को देखते हैं. फिल्म को 2003 में रिलीज किया गया था और उस टाइम के लिए ये फिल्म काफी मॉडर्न और प्रैक्टिकल थी. फिल्म को देखते हुए आप खूब हंसते हैं और इसका ह्यूमर थोड़ा एडल्ट भी है, सो प्रोबेबली डोंट वॉच दिस विद योर पेरेंट्स. झनकार बीच को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं. नंबर 9, लिटिल मिस सनशाइन. ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोड ट्रिप फिल्म है जिसे सभी सिनेफाइल्स को एक बार लाइफ में जरूर देखना चाहिए. फिल्म में हम एक ऐसी फैमिली की कहानी देखते हैं जिसमें सभी एक डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं. इसी बीच उनकी बेटी ऑलिव को एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सेलेक्ट कर लिया जाता है. इसके बाद वो एक रोड ट्रिप प्लान करते हैं जिसमें बहुत सी फनी सिचुएशंस हैं, तो वहीं दूसरी तरफ काफी सीरियस भी. लिटिल मिस सनशाइन को देखकर आप लाइफ को एक पॉजिटिव वे में समझने लग जाएंगे, जहां फिल्म के हर एक कैरेक्टर से आप कुछ ना कुछ सीख पाते हैं. इस फिल्म को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं. Where's Olive? नंबर 10, जाथि रत्नालू. अगर आपको एक पूरी तरह से हाई ऑन ह्यूमर फिल्म देखनी है तो जाथि रत्नालू को बिल्कुल भी मिस ना करें. काफी टाइम के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो जेन्युइनली एक कॉमेडी लगती है, जहां कुछ भी फोर्स नहीं लगता. फिल्म में हम तीन लड़कों की कहानी देखते हैं जो एक कॉन्स्पिरेसी में फंस जाते हैं और अब उन्हें इस सिचुएशन से अपने आप को निकालना है. फिल्म के प्लॉट को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर काफी चीजें स्पॉइल हो जाएंगी. जाथि रत्नालू को 2021 की बेस्ट कॉमेडीज में गिना जा रहा है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल रही थी. लॉकडाउन गाइडलाइंस के होते हुए भी फिल्म ने 70 करोड़ का बिजनेस किया, जहां फिल्म को सिर्फ 4 करोड़ के बजट पर बनाया गया था. जाथि रत्नालू एक तेलुगु फिल्म है जिसका अभी हिंदी डब वर्जन लॉन्च नहीं किया गया है, बट वी हाईली रिकमेंड कि फिल्म को आप जरूर देखें. French wine with English subtitle.
वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें कमेंट्स में बताएं कि ऐसी कौन सी फिल्म्स हैं जो आपका मूड बेटर कर देती है। आपके कमेंट्स को देखकर बाकी लोगों को भी मूवी सजेशंस मिलेंगे, सो डू हेल्प ईच अदर आउट। ऑल्सो इस पूरी वीडियो की लिस्ट हम अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ दिन बाद शेयर कर देंगे, सो आप वहां जाके फिल्म्स को नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स आते हैं तो हम इसका पार्ट 2 भी बना सकते हैं, सो डू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम बहुत ही यूनिक कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। वी रिकमेंड यू टू चेक आवर इंस्टाग्राम वंस वेयर वी हैव मेड सो मेनी पोस्ट फॉर यू। इसके अलावा ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।